हैं, फल होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी है ना, कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। तो जो पल मिलता है उसमें जियो, मैं ऐसा मानती हूँ। चैनल कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो अभी शाम के बज रहे 5:30 और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है और बस ऐसे हुआ कि नहीं व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी मैं बाहर से ही आई हूँ, सब्ज़ी लेने गई थी, तो मैं पहले सब्ज़ी को निकाल के इसको वॉश करके रख दूँ, उसके बाद में बर्तन भी अच्छे से सेट कर दूँ और फिर मुझे बनानी है चाय। आजकल है ना मौसम यहाँ का बहुत हो रहा है कि आलस आलस सी हो रही है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर दूँ तो थोड़ा सा अच्छा फील हो। वो होता है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता तो हम वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमको पसंद होता है, तो मुझे वीडियो बनाना पसंद है, तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ तो थोड़ा सा मूड भी अच्छा हो जाए और माइंड भी डाइवर्ट हो जाए। और वैसे मैं काम ही कर रही थी, मेरा जो दूसरा भी मेकअप का वीडियो जो करना है जो, तो वो सारी क्लिप मैं एडिटिंग कर रही थी। फिर मैं गई मार्केट, थोड़ी सी बाज़ार में बाहर ही गई थी, यहाँ पास में ही है, वहाँ सब्ज़ी लेने, सब्ज़ी लेके आ गई। तो मैं सोची कि अब मैं क्या करूँ, काम तो है लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर दूँ। और आज एक और भी चीज़ हुई, क्या हुआ पता है कि मैं ना मेरे जो पुराने वीडियो है ना वो देख रही थी, तो उनमें देख रही थी कि मैं पहले कैसे वीडियो बनाती थी, इतना मुझे ना पहले बहुत प्रॉब्लम होता था कि मैं ना कुछ हिंदी में कन्फ्यूज़ होती थी। रोज़ हम सिर्फ कच्ची बोलते हैं, हमारी मातृभाषा कच्ची है तो हम कच्ची बोलते हैं, हिंदी में तो इतना कुछ बोलते नहीं हैं, तो ऐसे होता था कि किसको मैं कुछ ऐसे पता होता था कि हिंदी में इस चीज़ को यही बोलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता था कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, ऐसा होता था। और भी वीडियो देख रही थी तो उसमें ना कितनी सारी, मुझे पहले तो वीडियो शूट करना ही नहीं आ रहा था, ये सब चीज़ें देख रही थी कि इंसान की लाइफ में कब क्या होता है कुछ भी पता नहीं होता। वो होता है ना छोटा बच्चा भी कैसे धीरे धीरे हर चीज़ें सीखता है, वैसे ही हम चाहे किस भी उम्र में हो तो हर रोज़ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। मेरा ऐसा ही है कि मैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो वही मैं देख रही थी कि देखो पहले मुझे तो ऐसा वीडियो अच्छे से एडिट भी नहीं होते थे, अब मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि पता भी नहीं था कि YouTube पे वीडियो बनाते तो ऐसे फ़ोन को रख के फिर वीडियो बनाना चाहिए, मैं ऐसे ही सारे वीडियो बनाती थी और एडिटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। हाँ बहुत कुछ है जो मैंने इस चैनल पे बहुत सारी गलतियाँ की हैं थी, लेकिन अब है ना, वो बोलते हैं जिस जो मेहनत करता है उस मेहनत का रंग आता है। तो पहले मेरे वीडियो एक दिन अपलोड करती थी, 10 दिन रहने के बाद 100 व्यू होते थे, लेकिन आज वो अभी भी इतना कुछ ग्रो नहीं हुआ चैनल, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं मानो आज वीडियो अपलोड किया और कल देखा तो 100 के आसपास व्यू आ जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इतना शेयर भी नहीं करती किसी को कि मेरा वीडियो देखो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम सच्चे दिल से या सच्चे मन से कोई काम का ठान लेते हैं तो हम कर लेते हैं, वैसा ही है। तो मैं बातें कुछ ज़्यादा कर ली, तो मैं पहले अपनी सब्जियां हैं वो मैं धो लेती हूँ
उसके बाद हम कोई मेरे बाल देखो कैसे हो गए हैं, क्या हुआ है पता है कि मैंने बालों में तेल लगा के रखा है, इसकी वजह से फेस भी पूरा ऑयली ऑयली हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कल बारिश हुई थी, आज भी बारिश हुई, तो मुझे बाल ठीक है तो जल्दी सूखते नहीं हैं, फिर बाल जल्दी सूखते नहीं हैं तो मुझे सर्दी होती है, सर्दी होती है तो फिर मेरा और इनका झगड़ा होता है क्योंकि तू अपना ध्यान नहीं रखती, तुमको बोला है ध्यान रख बाल मत दो, तो इसके लिए मेरे 2 दिन से बाल धोना का सोच रही हूँ, लेकिन मौसम ने धोखा दे दिया क्योंकि सर्दियों के मौसम में बारिश हो रही है। और हम कर लेते हैं सब्जी को वॉश, फिर लगा लेते हैं बर्तन, उसके बाद बनाएंगे चाय, और चाय पीने तो आ जाओ आप भी। और मैंने थोड़ी बहुत ही सब्जियाँ ली हैं क्योंकि हम यहाँ पे 2 लोग हैं तो हो जाती है, फेंकनी पड़ती है, इसके लिए मैंने थोड़ी बहुत ही सब्जियाँ लेके आई हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सब्जी को जो बाल्टी है इसमें पानी भर के रखा है उसमें डिप करके रखूँगी। और ये कुछ जब कोरोना चल रहा था ना तब ये सब्जियों का धोने के लिए लेके आ रहे थे, कोरोना का कितना खौफ था तो हर एक चीज़ धोने में, पहले तो मैं बाहर ही सब्जी रखती थी, बाहर ही वॉश करती थी, उसके बाद बाहर ही सुखाना और उसके बाद घर में लेके आना, ऐसे हो रहा था। तो अभी भी ऐसा माहौल हो रहा है कि वापस से केस बढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा फैले उससे पहले ही जो हम कोरोना के टाइम में जो चीज़ें फॉलो करते आ रहे थे तो वो हमको फिर से फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम अभी जब केस कम होना स्टार्ट हो गए थे तो हम जो पहले जी रहे थे नॉर्मल लाइफ वैसे जी रहे थे, लेकिन अब हमें फिर से जो हमारे कोरोना के दिन थे, भगवान से प्रार्थना करती हूँ हे महादेव वो कोरोना वाली सिचुएशन वापस ना आए, और महादेव सबको हेल्दी रखे और किसी पे कोई आँच ना आए, तो ये मैं इसमें, लेकिन वो होता है ना डर बना रहता है, तो ये बस 2 बूंदे इसमें डालनी है, ये नेचुरली है, तुलसी का कुछ बना हुआ है, श्री तुलसी नाम करके है, ये मार्केट में जो सब्जी वाला था उसके पास ही था जब कोरोना चल रहा था, तो वो रख रहा था अपने पास बेचने के लिए, तो मैं सब्जियां इसमें धो लेती हूँ, मैं डिप करके रखूँगी ताकि इसमें थोड़ी देर पड़ी रहे। और ये चीकू हम अभी वॉश नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसको अभी वॉश करेंगे तो ये फिर जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इनको अलग करके रख दूँगी क्योंकि इनका हमको बनाना है जूस, तो मैं ये सारी सब्जियां इसमें कर देती हूँ। और इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैं और डाल देती हूँ और अच्छी तरह से सब्जियाँ डिप हो जाएं, बस ज़्यादा टाइम नहीं रखना नहीं तो फिर सब्जियाँ पानी एब्जॉर्ब कर लेगी तो जल्दी ख़राब हो जाएगी, बस थोड़ी देर के लिए मैं इसमें रखूँगी ताकि अच्छी तरह से वॉश हो जाए, और मैं इसको नीचे रख देती हूँ। और ये है धनिया और मेथी जो मुझे साफ करनी है, लेकिन मैं बाद में करूँगी, पहले मैं चाय बना के पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रीम चाय, और जो दूध बचा है उसको रात को हम दही बनाने के लिए रख देंगे, और मैं
किस किस को शाम को चाय पीना अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। वह चीनी का जो डब्बा है वो धोने के लिए रखा है लेकिन अभी तक सूखा नहीं है, तो मैं बाद में इसमें चीनी डाल दूँगी। सही चम्मच से डाल देती हूँ। हमको वैसे चाय इतनी पीनी तो नहीं चाहिए लेकिन चाय लवर है तो जिसको चाय बहुत पसंद है वो तो चाय पिए बिना रह भी नहीं सकता। मैंने कुछ टाइम पहले चाय को ऐसे मानो छोड़ ही दिया था शाम के लिए, सुबह पीती थी लेकिन बस थोड़ी आधा कप जितनी, क्योंकि मुझे चाय से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक टाइम होता है ना जब हम चीज़ कोई चीज़ को इतना पसंद करते हैं, उसको इतना वो बोलते हैं कि नहीं मैं इसके बिना रह ही नहीं सकती या मैं रह ही नहीं सकता, लेकिन वो चीज़ ही ऐसे मौके पे हमसे दूर हो जाती है कि हमको उसके बिना रहने की आदत ही पड़ जाती है। फिर पहले हम सोचते थे कि नहीं हम मैं नहीं रह सकता मैं नहीं रह सकती, लेकिन जब टाइम आता है तो हम उसके बिना भी रह लेते हैं मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन आए हैं कि मुझे पता है कि मैं अपने से ज़्यादा किसी और को रखती आ रही हूँ, कि मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर ये हो जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी, वो हो जाएगा तो कैसे रहूँगी, लेकिन वो है ना कि भगवान है सबको ऐसे शक्ति देते हैं कि चाहे कैसा भी वक्त हो और कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन हम रहना सीख लेते हैं, वो ऐसा मैं मानती हूँ। और यहाँ मेरी चाय बन रही है, बस थोड़ी सी चाय है लेकिन चाय तो चाहिए ही, ऐसा हाल होता है। और अभी धूप निकली है तो सुबह से ऐसे हो रहा था मौसम खराब, बारिश और ये सब, और मैं पी लेती हूँ चाय, उसके बाद हम दूसरे काम है वो करेंगे। और मैं सोच रही हूँ शाम को क्या खाने में बनाऊँ। वैसे मैं मूली के जो ढोकले आते हैं वो बनाने वाली थी लेकिन जहाँ मैं पास में गई सब्ज़ी लेने वहाँ मुझे मूली ही नहीं मिली, तो अब मैं शायद कल या परसों बनाऊँगी, क्योंकि मैं अनिल को बोलूँगी वहाँ मार्केट से लेके आएंगे। यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पास में एक ही है जो दुकान है, वहाँ पे मैं जाती हूँ और ज़्यादा दूर मैं अकेली नहीं जाती। और मेरी अभी इतनी वो भी नहीं है हालत कि मैं ज़्यादा दूर चल के जाऊँ, तो इसके लिए सोचूंगी मैं रात को क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ गाजर मिर्च का जो अचार जैसी सब्ज़ी बनती है वो तेल में फ्राई कर लूँगी, और रोटी या खिचड़ी। हमारे यहाँ आपको पता है खिचड़ी तो चाहे कितने भी पकवान हो लेकिन खिचड़ी तो बनती है। और मैं ज़्यादा कुछ बातें कर रही हूँ, मैं चाय भी लेती हूँ, मेरी चाय बन गई है। तो अब हमारी सब्जियाँ ऑलमोस्ट डीप होके अच्छे से नहा लिया है वो अच्छे से धुल गई है, तो मैं इनको निकाल के इसमें रख दूँगी और बाहर जब सूख जाएगी तब मैं फ्रिज में रखूँगी। नहीं तो क्या होगा पता है, फ्रिज में ऐसे पानी वाली सब्ज़ी रख देंगे तो वो गल जाएगी फ्रिज में और फिर फ्रिज में स्मेल आती रहेगी। और सब्जियों को मैं रख देती हूँ सूखने के लिए यहाँ पे, और मैं पानी अभी रख देती हूँ, मैं इसको साफ करके उस पानी में धो लूँगी। तो ये मेरी मेथी साफ हो गई, धनिया भी साफ हो गया, अब मैं इनको बारी सूखने के लिए छोड़ दूँगी।
ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। मेथी के मेरे सारे पत्ते अलग करने हैं, क्योंकि मैं अभी नहीं अलग करूँगी क्योंकि वो अभी थोड़ी सी गीली है और कल सुबह ही मैं कर दूँगी, नहीं तो वो सूख जाएगी तो उसके बाद उसके पत्ते सूखड़ जाएंगे और फिर बाद में अच्छे से साफ़ नहीं होगी। और मेरी सब्ज़ी भी वहाँ पे मैंने रख दी है तो वो भी हो जाएगी। उसके बाद मुझे बर्तन करने हैं और तो ये मैंने जो खाद बनाई है उसमें डाल दूँगी तो ये कंपोस्ट हो जाएगा तो हमारे पौधों के लिए बेस्ट है। और ये जो पानी है ये मैं अपने पौधों में डाल दूँगी, सब्जियों वाला पानी जो वॉश करके पानी बचता है वो मैं पौधों में डाल दूँगी। तो मैं ये खाद डाल के आती हूँ, इसके बाद मैं ये पानी भी पौधों में डाल के आती हूँ। तो मैंने बर्तन धो दिए हैं, किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर दी है और अब बचने जा रहे हैं 7। तो मैं थोड़ी देर बैठूँगी, दूध आएगा वो लूँगी, गर्म करूँगी, उसके बाद मुझे खाना बनाना है। मैं सोच रही हूँ आगे का वीडियो, उसका थोड़ा मुझे काम है एडिटिंग का ये सब, तो वो करूँगी, नहीं तो थोड़ी देर इंस्टाग्राम देखूँगी। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लेना, मेरा वहाँ भी यही नाम है ज्योत्सना महेश्वरी और लिंक भी दे के रखिए इस चैनल पे, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर देना। वहाँ मैं शॉर्ट बनाती हूँ लेकिन हर जगह पे मैं अभी इतनी एक्टिव नहीं हूँ, यूट्यूब पे भी इतना बहुत मैं एक्टिव नहीं रहती, मतलब कि एक हफ्ते में 3 से 4 ही मेरे वीडियो आ रहे हैं। और मैंने अब सोचा है कि डेली व्लॉग वीडियो में डालूं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जान है तो जहान है, मेरा अभी वही हाल है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, इतना काम करती हूँ और थक जाती हूँ। एक तो ये सांस की प्रॉब्लम है और एक बैक पेन, कमर का दर्द है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ जितना कर पा रही हूँ उतने में ठीक है, आगे जाके कर ही लेंगे, पूरी ज़िंदगी काम ही करना है। लेकिन अभी मैं अपने आप को बहुत टाइम दे रही हूँ क्योंकि मैं अगर जल्दी ठीक हो जाऊँगी तो आगे जाके बहुत सारे मैं काम कर लूँगी, मुझे पता है। इसके लिए मैं थोड़ा वैसे होता है मन मुझे कि मैं सारे काम करूँ, लेकिन मैं इसीलिए आलस करती हूँ कि अभी इतना कर लूँगी तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी और फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे, बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ धीरे धीरे इतनी एक्टिव हुई हूँ तो और ज़्यादा भी एक्टिव हो जाऊँगी और मैं काम करूँगी तो आप मुझे सपोर्ट भी करोगे। तो चलो मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और उसके बाद हम बनाएंगे शाम का खाना, मतलब कि रात का खाना। तो अनिल भी ऐसे आज लेट आने वाले हैं तो कोई मुझे टेंशन नहीं है, धीरे धीरे बना लूँगी। तो मैंने खाना बनाने की स्टार्टिंग कर दी है, वहाँ पर मैंने स्टिल बनाने के लिए रख दी है और ये देखिए मिर्च और गाजर काट लिया है, तो मैं अब बना लेती हूँ सब्जी। तो मेरा खाना हो चुका है, मैंने खा भी लिया है क्योंकि अनिल ने कॉल करके बोल दिया कि आज मैं बाहर ही खाना खा के आऊँगा, तो मेरा बन चुका तो मैं खा भी चुकी तो और कल के लिए भी तैयारी कर ली। और ये देखो दही यहाँ पे जमाने के लिए रख दी है कल के लिए, तो अगर आपकी भी दही अभी जैसे कि अभी ठंड है तो हमारी दही जमती नहीं है, तो आप क्या करो नीचे ऐसे कपड़ा रखो, ऊपर ऐसे दही का बर्तन रखो, फिर ढक दो, छोटा ढक्कन हो तो ढक दो और इसके ऊपर ऐसे फिर और ढक दो, नहीं तो आप जो आटे का डब्बा होता है उसमें रख दो तो आपकी दही जम जाएगी। और ये कल के लिए मैंने काले चने भिगो के रखे हैं और बर्तन भी हो गए और ये थोड़ा सा दूध जो गर्म हो चुका है मैं सोने से पहले पीऊँगी। हम है ना कल की तैयारी कितने दिनों की तैयारी पहले से ही करके रखते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कल क्या होगा,
और हम सब तैयारियां करके रखते हैं, फल होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी है ना, कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। तो जो पल मिलता है उसमें जियो, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि सॉरी क्योंकि है ना, अभी का ही ऐसा टाइम गया है 2-3 मंथ पहले, तब मैंने सोचा था कि ये हो जाएगा तो फिर मैं ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे सेलिब्रेट करूँगी वैसे सेलिब्रेट करूँगी, और ऐसे सपने देखने में मैंने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, और ऐसे ही मेरा टाइम निकल गया। तो ज़िंदगी में कब कुछ हो जाए हमें कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन हम ऐसे तैयारी करके रखते हैं कि ये टाइम आएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी कुछ नहीं होता। तो जो पल मिले उसमें जियो, मेरा ऐसा मानना है, और मैं भी अभी यही कोशिश कर रही हूँ कि जो पल मिले उसमें जीना चाहिए, क्योंकि पहले मैं भी थी कि कुछ भी होता था तो सोचती थी इसने ये क्यों बोल दिया, उसने वो क्यों बोल दिया, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वैसा क्यों हो गया। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं प्रवचन दे रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन मैं रियल में ऐसी ही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो भी जो बनाती हूँ उसमें भी मैं जैसी हूँ वैसी रहूँ, और कोई भी ऐसे फेक बनने की ना कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी वही पसंद है जिसमें लोग जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, क्योंकि मुँह पे कोई कुछ और अंदर कुछ और, वो मुझे भी पसंद नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं भी यही कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो जो बनाती हूँ जिसमें मैं जैसी हूँ वैसे ही बन के रहूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम कितना कुछ सोचते हैं लेकिन जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। तो चलो इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैंने आपको बोर करा है तो सॉरी, मेरे ऐसा है ना कि मैं बोलने में लग जाती हूँ तो मैं बहुत सारी बातें कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बोलना ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए चलो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और 10:30 बजे चालू होगा बिग बॉस, तो मैं थोड़ा सा बिग बॉस देखूँगी, और उसके बाद बस वही रात को सोना सुबह उठना। फिर चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।